हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है NDPS एक्ट, कितना ड्रग्स लेना या बेचना है कानूनन अपराध, कैसे होती है गिरफ्तारी और क्या है सजा का प्रावधान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम NDPS एक्ट के बारे में बात करेंगे, तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्पस। दोस्तों नशीले पदार्थों के सेवन करने, इसे बनाने, खरीदने, बिक्री करने के खिलाफ देश में जो कानून है उसे नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 कहते हैं। इसे शॉर्ट में NDPS एक्ट कहा जाता है। दोस्तों इसके तहत दो तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, पहला नार्कोटिक और दूसरा साइकोट्रोपिक। कुछ का उत्पादन मेडिकल जरूरतों या अन्य कारणों के लिए जरूरी भी होता है, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखनी होती है, नहीं तो लोगों में नशे की लत बढ़ सकती है। इसी नियंत्रण के लिए NDPS एक्ट का गठन किया गया है। दोस्तों नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों NDPS एक्ट के तहत केंद्र सरकार प्रतिबंधित दवाओं की एक लिस्ट जारी करती है, जो समय समय पर राज्य सरकारों की सलाह पर अपडेट भी होती है। दोस्तों नार्कोटिक ड्रग्स से मतलब है नींद लाने वाले ड्रग्स, जो नेचुरल होते हैं या प्राकृतिक चीजों से बनते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन, कोकेन, मॉर्फिन वगैरह इसके तहत आते हैं। वहीं पे दोस्तों साइकोट्रोपिक यानी दिमाग पर असर डालने वाली ड्रग्स, जो केमिकल बेस्ड होती हैं या फिर जिन्हें दो तीन तरह के केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है, जैसे LSD, MMDA, अल्प्राजोलम आदि। इनमें से कुछ दवाएं जीवन रक्षक भी हैं, लेकिन बिना मेडिकल सलाह के ज्यादा मात्रा में लेने से इनका नशा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि NDPS एक्ट की धारा 41 के अंतर्गत सरकार को नशीली दवा का सेवन करने वाले की पहचान, इलाज और पुनर्वास केंद्र की स्थापना का अधिकार है। धारा 42 के तहत जांच अधिकारी को बगैर किसी वारंट या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। NDPS एक्ट के तहत राज्य की पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, साथ ही केंद्र और राज्यों में अलग से नार्कोटिक्स विभाग भी बने होते हैं, या नशीले पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध तरीके से इस्तेमाल पर नजर रखते हैं। अब आइए एक नजर में जानते हैं कि NDPS एक्ट में सजा का प्रावधान क्या है। तो दोस्तों NDPS एक्ट के तहत प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की मात्रा के आधार पर तीन तरह की सजाएं होती हैं। पहला, अगर नशीली ड्रग्स का सेवन कम मात्रा में किया गया है तो 1 साल की कैद की सजा या ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। दोस्तों इसमें आसानी से बेल भी मिल जाती है, लेकिन बार बार पकड़े जाने पर बेल मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरे नंबर पर कमर्शियल क्वांटिटी यानी खरीद बिक्री के उद्देश्य से नशीले पदार्थ रखने पर NDPS एक्ट के तहत 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, ऐसे मामलों में जमानत नहीं मिलती है। वहीं दोस्तों तीसरे नंबर पर अगर कम मात्रा और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच की मात्रा में किसी के पास ड्रग्स मिलने पर 10 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ऐसे मामलों में जमानत मिलना या ना मिलना पकड़े गए नशीले पदार्थ और पुलिस की धाराओं पर निर्भर करता है। दोस्तों अब आइए एक नजर में जानते हैं कि किस ड्रग की कितनी मात्रा कमर्शियल है। तो दोस्तों नशीले पदार्थों की कम मात्रा या कमर्शियल मात्रा अलग अलग हो सकती है। नशे के टाइप के हिसाब से मात्रा तय की जाती है, जैसे 1 किलो गांजा और 2 ग्राम कोकीन दोनों अल्प मात्रा वाले अपराध में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे चरस की। अल्प मात्रा की बात करें तो यहाँ पर 100 ग्राम तक है, और कमर्शियल मात्रा की बात करें तो 1 किलो या अधिक। वहीं पर अगर बात करें कोकीन की तो अल्प मात्रा है इसकी 2 ग्राम तक, और कमर्शियल मात्रा है इसकी 100 ग्राम या उससे अधिक। अगर दोस्तों बात करें हम गांजा की तो अल्प मात्रा है 1 किलो तक, वहीं कमर्शियल मात्रा है 20 किलो या अधिक। दोस्तों अगर हम बात करें हीरोइन की तो अल्प मात्रा है 5 ग्राम तक, और कमर्शियल मात्रा है 250 ग्राम या अधिक। दोस्तों वहीं बात करें अगर हम अफीम की तो अल्प मात्रा है 25 ग्राम तक, और वहीं पर कमर्शियल मात्रा है 2.5 किलो या अधिक। मॉर्फिन की बात करें तो दोस्तों अल्प मात्रा है 5 ग्राम तक, और कमर्शियल मात्रा है 250 ग्राम या अधिक। दोस्तों अगर हम बात करें कोडीन की तो अल्प मात्रा है 10 ग्राम तक, और कमर्शियल मात्रा है इसकी 1 किलो या अधिक। अब दोस्तों अगर हम बात करें MDMA की तो अल्प मात्रा है 0.5 ग्राम तक, और अगर कमर्शियल मात्रा की बात करें तो 10 ग्राम या अधिक। तो दोस्तों ये थी नशीले पदार्थों की कम मात्रा या कमर्शियल मात्रा। आपको बता दें कि समय समय पर इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।